किस में सबसे बेस्ट आर आएगा रेजिडेंशियल होना चाहिए या कॉमर्शल होना चाहिए कॉमर्शल होना चाहिए तो किस तरह का कॉमर्शल होना चाहिए क्या वो मॉल जैसा होना चाहिए या वो हाई स्ट्रीट होना चाहिए क्या वो बड़ा हाई स्ट्रीट होना चाहिए या छोटा हाई स्ट्रीट होना चाहिए लोकेशन सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी होती है लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो टिक करना है वो एक कॉमर्शियल को चलाने के लिए होता है वो होता है कि उसमें लोग कौन लोग हैं जो खरीदेंगे क्या उसमें किस तरह की शॉप्स खुलेंगी किस तरह के ब्रांड्स आएंगे वो सारी चीज़ें डिसाइड करता है कि आसपास कैचमेंट किस तरह का है ढाई करोड़ से लेकर लगभग साढ़े चार पाँच करोड़ के आसपास की जनता जो है वो पीछे रह रही है आपके तो मतलब आपका ब्रांड्स तो अच्छे आएंगे ब्रांड साइज आएगा मैकडोनल्ड्स है या कोई भी इस तरह का ब्रांड है वो यही देखता है कि भाई कैपेसिटी क्या है अब फॉर फॉर एग्जाम्पल मैं पहले भी मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ आप जारा का है लुई बतौन का या इस तरह के बी के शोरूम अगर एक गाँव में खोल देंगे तो वो नहीं चलेंगे क्योंकि वहाँ पर कैपेसिटी नहीं है लोगों की इतने महंगी चीज़ें खरीदने की कॉमर्शियल और भी हैं ऐसी बात नहीं है कि यही एक कॉमर्शियल है लेकिन मेरी फर्स्ट चॉइस रहती है बिकॉज ऑफ द लोकेशन अब आइए कैचमेट की आपने बात देख ली अब लोकेशन की तरफ चलते हैं लोकेशन जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सो हेलो एवरीवन मैं हाँ आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू यान अदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आना यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार और ये वीडियो अगेन ऑन डिमांड बन रहा है मेरे व्यूवर्स के आप लोग के डिमांड पर क्योंकि अभी बहुत सारी मेरे पास इंक्वायरीज uh, आई बहुत सारी कॉल्स मेरे पास आई उसमें कई लोग के सवाल इस तरह के थे कि भाई हम कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो सबसे बेस्ट आर आए क्या हमें रेजिडेंशियल करना चाहिए या हमें कॉमर्शियल करना चाहिए तो वो सारे बहुत सारे क्वेश्चन थे तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं कई कही लोगों से शायद बात करते हैं या क्या होता है ऐसा या काफ़ी टाइम से चीज़ें देख रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत कि भाई क्या होना चाहिए क्या चीज़ लेनी चाहिए हमको क्या किस में सबसे बेस्ट आर ओआ आई आएगा रेजिंडियल हो कमर्शियल होना चाहिए कॉमर्शल होना, होना चाहिए तो किस तरह का कॉमर्शल होना चाहिए क्या वो मॉल जैसा होना चाहिए या वो हाई स्ट्रीट होना चाहिए क्या वो बड़ा हाई स्ट्रीट होना चाहिए या छोटा हाई स्ट्रीट होना चाहिए लोकेशन वो सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी होती है लेकिन मैं आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए प्रॉपर्टी बाइंग इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस आप इसको समझिएगा चीज़ को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर्टी बाइंग जो है जितना आप उसको सिंपल रखेंगे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको टिक करने होते हैं है ना वो पॉइंट्स अगर टिक हैं आपके तो मतलब आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं आपके हिसाब से है सही है अगर वो पॉइंट स्टिक नहीं हो रहे तो आपके हिसाब से नहीं है तो बहुत कॉम्प्लिकेट मत करिए चीज़ों को मतलब आपने देखा होगा मैंने देखा है अपने करियर में रियल स्टेट के कि बहुत जो लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ें कि ये भी देख लें वो भी देख लें ये ऐसा वो ऐसा तो वो बहुत टाइम लगा देते हैं फिर अल्टीमेटली दो ही ऑप्शन बचते हैं या तो प्लान ड्रॉप कर देते हैं वो या फिर इतना त्रस्त हो जाते हैं इतना थक जाते हैं प्रॉपर्टी देखते देखते कि वो अल्टीमेटली कोई भी जो भी सामने आता है फिर कहते हैं यार साल भर दो साल हो गए इसको लेते हुए लो यही ले लो तो फिर वो गलत डिसीजन ले लेते हैं तो वो करने की जरूरत नहीं है आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं इस वक्त रहा हूँ सेक्टर एक में बेसिकली ये सेल्स गैलरी है स्मार्ट वर्ल्ड की स्मार्ट वर्ल्ड क्यों आया हो मैं वो आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने आपने देखा भी हुआ होगा कई मेरे वीडियोस में मैंने पहले ही बोला है कि स्मार्ट वर्ल्ड चाहे वो रेजिडेंशियल हो पहले रेजिडेंशियल के लिए बोला था चाहे वो आप कमर्शियल हो मेरा बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट रहा है स्मार्ट वर्ल्ड रेजिडेंशियल इसलिए क्योंकि बहुत खूबसूरत बना रहे हैं लोग रेजिडेंशियल और लोकेशन जो है इसकी वो एक जो सेक्टर है वो बहुत प्राइम है लोकेशन के ऊपर भी हम लोग आएंगे आ, पूरा डिटेल में समझाएंगे आपको लोकेशन का लेकिन अभी ये आज ये वीडियो जो है वो है स्मार्ट वर्ल्ड के कॉमर्शियल के बारे में तो ये आप देख रहे हैं ये छोटा सा जो आपको एक कॉमर्शियल दिख रहा है यहाँ पे ये समवेयर अराउंड सिक्सटी फाइव शॉप्स हैं इसमें छोटा कॉमर्शियल है पीछे जो आप देख रहे हैं पूरा स्मार्ट वर्ल्ड का रेजिडेंशियल है सेक्टर एक वो पूरा कैचमेंट है लगभग अट्ठारह फ्लैट्स इसमें हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो टिक करना है वो एक कॉमर्शियल को चलाने के लिए होता है वो होता है कि उसमें लोग कौन लोग हैं जो खरीदेंगे क्या उसमें किस तरह की शॉप्स खुलेंगी किस तरह के ब्रांड्स आएंगे वो सारी चीज़ें डिसाइड करता है कि आसपास कैचमेंट किस तरह का है तो कैचमेंट के ऊपर पहले बात करते हैं स्मार्ट वर्ल्ड का कमर्शल है दिस इज द्वारका एक्सप्रेस वे दिस इज़ बैंक ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे और इधर आप जा रहे हैं तो इधर गुड़गांव जा रहे हैं और ये आप इधर आ गए तो ये बॉर्डर है गुड़गांव का दिल्ली का यहाँ से दिल्ली शुरू हो जाता है तो बेसिकली आप द्वारका एक्सप्रेस वे से या डेली की तरफ से जैसे ही आप खुड़गांव की तरफ आएंगे सबसे पहला सेक्टर जो पड़ेगा आपको राइट हैंड साइड पे वो सेक्टर एक सौ पड़ेगा इसी के जस्ट अपोजिट सामने सेक्टर एक है जहाँ पे इस वक्त हम लोग अभी हैं क्योंकि स्मार्ट वर्ल्ड की सेल्स गैलरी सेक्टर एक में है और स्मार्ट वर्ल्ड की लोकेशन क्या है वो भी बताएंगे आपको तो बेसिकली कैचमेंट के ऊपर आते हैं कॉमर्शल है छोटा है सिक्सटी शॉप्स हैं फ़ायदा इसका यह है कि जस्ट पीछे ही इसके इसको यू कैन से इट एज अ नेबरहुड मार्केट इसका एग्जाम्पल मैं जैसे दूँ आपको इस तरह की एक मार्केट आपने देखी होगी गोल्फ कोर्स रोड को बहुत फेमस मार्केट है सेंट्रल प्लाज़ा वो सेंट्रल प्लाजा ऐसा ही है बिल्कुल इसी तरह का बना हुआ है आप देखते होंगे वहाँ पे बेंटले और ऑडी और मर्सिडीज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और आते हैं वो लोग शॉपिंग करते हैं इजी आराम से और निकल जाते हैं तो इसका भी कंसेप्ट वही है कि आप आए आपने गाड़ी अपनी लगाई आपको कहीं बेसमेंट में गाड़ी खड़ी नहीं करनी है सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आजकल वो कंसेप्ट खत्म होता जा रहा है मॉल वाला कि भाई आपको पूरा दिन आए आप शॉपिंग करें आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के आए लोग आजकल यूथ जो है मैक्सिमम शॉपर जो है जो शॉपिंग करता है जो चीज़ें खरीदता है स्पेंड करता है वो आजकल यूथ है यूथ जो है बहुत शॉर्ट्स में और स्लीपर्स में और बहुत कैजुअल तरीके से रहना पसंद करता है तो वो मॉल वाला कंसेप्ट इसलिए धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है दूसरी चीज़ ये है कि मॉल में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज पूरा एयर कंडीशन होता है सारी चीज़ें तो ब्रांड्स बहुत मुश्किल से रिटेन हो पाते हैं अगर कोई भी दिक्कत आ गई तो सबसे पहले ब्रांड्स जो होते, छोटे ब्रांड्स होते हैं जो अपना काम कर रहे हैं वो सबसे पहले निकल जाते हैं क्योंकि वो मेंटेनेंस ही नहीं पे कर पाते हैं सर्वाइव ही नहीं कर पाते हाई स्ट्रीट मार्केट में ये फायदा होता है कि आपको मेंटेनेंस भी कम होता है इसलिए ब्रांड्स जो आते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए आते हैं और अच्छे ब्रांड्स आते हैं अच्छे ब्रांड्स क्यों आएंगे वो भी हम बताएंगे अभी आपको तो बेसिकली आप समझ गए दिस इज दौरके एक्सप्रेस वे ये 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 कॉमर्शियल बैंक ऑन दौरिया एक्सप्रेस वे एक और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि दौरा एक्सप्रेस वे यहाँ पर एलिवेटेड है इस जगह पर एलिवेटेड है और एलिवेटेड होते होते यहाँ पे आके वो सरफेस रोड बना जा रहा है मतलब यहाँ पे आके वो एकदम रोड से मिला जा रहा है तो जैसे ही आप ऊपर से आए उतरे तो आप सीधे आगे आके इस कॉमर्शल में एंटर कर सकते हैं क्योंकि इसी की ये जो रेजिडेंशियल की जो स्मार्ट वर्ल्ड की एंट्री है वो ये है तो जितने लोग रहेंगे उनको तो जाहिर सी बात है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें दो व्यूज़ हैं एक सामने वाला दौर के एक्सप्रेसिक व्यू है एक पीछे वाला व्यू है पीछे वाले व्यू की खास बात यह है कि आपको रेजिडेंशियल में जितने लोग रह रहे हैं जो आपके नेबरहुड हैं एकदम जो आपके फ्रीक्वेंट शॉपर्स हैं वो आपका ब्रांड जो है या आपकी जो शॉप है वो देख रहे हैं और सामने ऑब्वियसली दौर के एक्सप्रेस वे है तो दोनों व्यू इसमें बहुत खास हैं अब इसमें सिर्फ एक कैचमेंट की मैंने बात करी है इसमें लगभग मान के चलिए स्मार्ट वर्ल्ड का जो रेजिडेंशियल uh, है लगभग अठारह सौ फ्लैट्स हैं अगर आप ये मान के चलें कि uh, लगभग uh, चार लोग भी रहेंगे एक फैमिली में तो सात साढ़े सात हज़ार के आसपास लोग इसी में रहेंगे इसी कमर्शियल में क्योंकि इसका फेज़ टू भी आना है और आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे होंगे रेजिडेंशियल का फेज़ टू कमिंग सून एट रुपीज़ नाइनटीन थाउजेंड पर स्क्वायर फीट तो अभी रेजिडेंशियल में भी बहुत बूम आने वाला है क्योंकि रेट बढ़ने वाले हैं स्मार्ट वर्ल्ड के जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन क्योंकि और के स्पेसिफिक फंक्शनल होने वाला है बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ ही महीने मतलब एक दो महीने में ही मेरे ख्याल से खबर आ जाएगी कि गुड़गांव वाला पैकेज फंक्शनल हो गया तो ऑब्वियसली जब द्वारके एक्सप्रेस पे ऑलरेडी रेट तेईस हज़ार रुपये का जा चुका है और स्मार्ट वर्ल्ड अभी इसको फिफ्टीन थाउजेंड के आसपास पे बेच रहा था तो अभी उन्होंने ये करा है कि ज़ाहिर सी बात है कि अभी नहीं लेकिन हाँ कुछ टाइम में इसका जो ये लॉन्च करेंगे फेज़ टू वो समवेयर अराउंड नाइनटीन एटीन टू नाइनटीन थाउजेंड के बीच में होगा तो रेजिडेंशियल आपका तैयार है एकदम एक कॉमर्शियल एक को चलाने के लिए जो क्या चाहिए होते हैं लोग शॉपर चाहिए होते हैं ऐसे शॉपर जिनकी क़ुत हो जिनकी कैपेबिलिटी हो कुछ चीज़ खरीदने की ब्रांड्स भी यही चीज़ देखते हैं अब फॉर एग्जांपल आप ये देख लीजिए कि मान लीजिए कि आपका खुद का ब्रांड है आपने एप्पल स्टोर की आईफोन स्टोर जो होता है उसकी फ्रेंचाइजी ली अब फ्रेंचाइजी आपने ली तो आप चाहेंगे ऐसी जगह आप अपना स्टोर खोलें जहाँ पे ऐसे लोग हों जो एप्पल का फ़ोन ले सकें आई ले सकें है ना तो जाहिर सी बात है पौने दो लाख का दो लाख के आसपास के फ़ोन होते हैं वो है ना तो ढाई करोड़ से लेके लगभग साढ़े चार पाँच करोड़ के आसपास कि जनता जो है वो पीछे रह रही है आपके तो मतलब आपका ब्रांड्स तो अच्छे आएंगे ब्रांड ब्रांड्स ज़ाहिर मेकडोनल्ड्स है या कोई भी इस तरह का ब्रांड है वो यही देखता है कि भाई कैपेसिटी क्या है अब फॉर फॉर मैं पहले भी मैं एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ आप ज़ारा का है लुई बिटॉन का या इस तरह के बी के शोरूम अगर एक गाँव में खोल देंगे तो वो नहीं चलेंगे क्योंकि वहाँ पर कैपेसिटी नहीं है लोगों की इतने महंगे चीज़ें खरीदने की यहाँ पर कैपेसिटी है तो इस वजह से इसमें ब्रांड्स भी बहुत अच्छे आएंगे तो ये ब्रांड्स की बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है आप चाहते हैं कि अगर आप इसमें आप शॉप लें तो आपकी शॉप खाली ना पड़ी रहे खाली कहाँ शॉप रहती है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कमर्शियल होते हैं बहुत बड़े कमर्शियल को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ब्रांड्स की जरूरत होती है उन ब्रांड्स को लाना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर छोटा कमर्शियल है ब्रांड्स जो है बहुत आसानी से आएंगे मतलब मान के चलिए कि इस कॉमर्शियल को चलाने के लिए सिक्सटी फाइव शॉप्स हैं अराउंड पंद्रह बीस ब्रांड्स भी आ गए तो ये ऐसे मान ब्रांड्स होते हैं वो जो अट्रैक्टर्स uh, होते हैं जो पुलर्स होते हैं कस्टमर पुलर्स होते हैं जैसे कि बीकानेर वाला है बीकानेर वाला तो ऑलरेडी इसमें साइन इन हो चुका है और मैकडोनल्ड्स uh, है बाबिक्यू नेशन है आईफोन स्टोर है है ना तो ये इस तरह के जो लुक्स सलोन है या गीतांजलि सलोन है इस तरह की चीज़ें होती हैं इस तरह के ब्रांड्स होते हैं वो मतलब खींचते हैं अपनी तरफ कस्टमर्स uh, को तो उस तरह के ब्रांड्स में आना बहुत आसान होगा क्योंकि भाई शॉप्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो इतने अगर पंद्रह बीस अगर ब्रांड्स भी आ गए यहाँ पर तो पूरा बेहतरीन तरह से ये फंक्शनल हो जाएगा और बहुत अच्छा रिटर्न देगा तो अब एक के में लोग बात करिए इसी तरह के यहाँ पे मैं गिनवा देता हूँ आपको लगभग चार और सोसाइटीज हैं इधर इसके जस्ट इस साइड में एम का कैपिटल है और अपोजिट साइड में जहां पे हम लोग इस वक्त हैं अभी इसके जस्ट अपोजिट साइड में रोड क्रॉस करके मतलब दियोरका एक्सप्रेस क्रॉस करके एमथ्रेम का क्राउन है और एमथ्रेम क्राउन के पास में एकदम पूरी है तो जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी लगभग साढ़े सात हज़ार रुपए उसके साढ़े सात हज़ार लोग सॉरी उसको आप चार से मल्टीप्लाई कर लीजिए है ना सेवन फोर जो ट्वेंटी एट तीस हज़ार के आसपास का कैचमेंट तो ऑलरेडी है यहाँ पे अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ आप ये पूछेंगे जो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ के पास में एमथरीम का कैपिटल वॉक भी है तो भाई जाहिर सी बात है कि वहाँ भी लोग जाएंगे बिल्कुल जाएंगे लेकिन बात वही है मैं आपको स्मार्ट वर्ड ज़्यादा रिकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सेफ़ हैं इसमें आपकी शॉप जो है आपने ली आप यही चाहते हैं या तो आप खुद का काम करेंगे लेकिन इसमें स्मार्ट वर्ट की कोशिश यही है कि मैक्सिमम बड़े बड़े ब्रांड्स आएँ तो आपको भी अगर आप कोई काम अपना खुद का कर रहे हैं तो भी बहुत क्लासी तरीके से आपको करना पड़ेगा आ, वो भी अप्रूवल बेसिस पे है ना तो वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी जैसे कि, कि, कि आप जो भी करें मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक नॉर्मल सी कपड़े की दुकान खोल के बैठ जाएंगे तो वो अलाउ कर देंगे है ना उससे क्या होता है कि मार्केट जो है वो ख़राब हो जाती है तो अच्छी तरह से जो अभी आप काम करेंगे वो आपको करने दिया जाएगा और मैक्सिमम कोशिश इन लोग की यही है कि अच्छे अच्छे ब्रांड्स आएँ बड़े ब्रांड्स आएँ ताकि लैविश से एक मार्केट बने तो अब तीस हज़ार लोगों का कैचमेंट है आसपास पास कैपिटल वॉक भी है लेकिन आप ये देखिए कि हम लोग इस वक्त बहुत लेजी हो गए हैं हम लोग जितने भी शॉपर्स हैं हम लोग बायर्स हैं हम लोग चाहते हैं कि भाई यार गाड़ी लगाओ ऊपर ही यहाँ पर इसमें लगभग दो के आसपास कार पार्कस हैं ऊपर मतलब आप गाड़ी लगा के आप सीधे शॉपिंग कर सकते हैं फिर अपनी गाड़ी निकाल के जा सकते हैं हम लोग चाहते यही हैं हम लोग को ये थोड़ा सा आजकल अवॉइड करने लगें कि नीचे बेसमेंट में जाएँ फिर नीचे गाड़ी लगाएँ पूरे दिन की शॉपिंग जो होती है वो संडे या सैटरडे को ही कभी हो पाती है ये रोज़ चलने वाला कॉमर्शल है तो लोग आएंगे इसमें गाड़ी लगाएंगे शॉपिंग करेंगे और निकल जाएंगे अब क्यों आएंगे इसमें क्योंकि ज़ाहिर सी बात है छोटा कॉमर्शल है कैचमेंट अच्छा है लोकेशन बहुत प्राइम है कितनी प्राइम है वो मैं बताऊँगा आपको उस लोकेशन की वजह से ब्रांड्स बहुत अच्छे आएंगे तो आप जाहिर सी बात है आप उन्हीं ब्रांड्स के पास जाते हैं जहाँ पर आपका काम होता है जैसे कि खाने पीने का है जो भी है अच्छे ब्रांड्स में जाना पसंद करते हैं आप तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई इसका अभी बहुत सारी बातें करनी है इसका आप बजट रेंज पूछेंगे कि भाई क्या है बजट रेंज और पेमेंट प्लान पूछेंगे वो सारी चीज़ उस पर भी आएंगे अभी लेकिन अर्जेंसी एक मैं पहले आपको ये बता देता हूँ वो ये है कि इसमें मैक्सिमम शॉप्स जो हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं सिर्फ समवेयर अराउंड कुछ मान के चलिए आपके नौ दस के आसपास शॉप्स बची होंगी इसमें और लेकिन वो शॉप्स जो हैं बहुत प्राइम है बहुत अच्छी शॉप्स हैं अच्छी लोकेशन पर मैंने जैसे कि बताया आपके जो पीछे वाली शॉप्स भी इसकी जो है ये वाली वो पीछे वाली नहीं है वो रेजिडेंशियल फेसिंग है तो उसके भी एक अलग अपनी खसूसियात है और सामने वाले की अपनी अलग खसूसत है तो वो उसमें आपको कौन सी शॉप मिलती है कौन से फ्लोर पे इसमें ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड आप दस देख लीजिए आके ग्राउंड है ये सामने जो बिल्कुल यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होंगी ये ग्राउंड फ्लोर है फिर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ग्राउंड फर्स्ट जो है वो रिटेल है सेकंड रिटेल uh, प्लस uh, कुछ uh, इसमें रेस्टोरेंट्स uh, भी uh, हो सकते हैं और एंकर स्टोर भी होंगे इसमें और ये थर्ड फ्लोर जो है पूरा फूड कोर्ट है तो हर फ्लोर पे अभी कुछ ना कुछ चीज़ अवेलेबल है लेकिन हाँ कुछ नौ दस चीज़ें ही अवेलेबल हैं तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि अगर आप अपना पैसा लगाना चाह रहे हैं अगर आप एक कॉमर्शियल लेना चाह रहे हैं मतलब बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और अच्छा आर चाह रहे हैं तो आपको स्मार्ट वर्ल्ड का कॉमर्शियल मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी कॉमर्शियल में कॉमर्शियल और भी हैं ऐसी बात नहीं है कि यही एक कॉमर्शियल है लेकिन मेरी फर्स्ट चॉइस रहती है बिकॉज ऑफ द लोकेशन अब आइए कैचमेंट की आपने बात देख ली अब लोकेशन की तरफ चलते हैं लोकेशन जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो बेसिकली ये इन्होंने बनाया हुआ है लोकेशन का मैप अब जहाँ पे हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे अब आप ये समझिएगा ये इनके लोकेशन ये दौड़का एक्सप्रेस है जैसे मैंने आपको बताया था जैसे मैं बता रहा था मॉडल पर ये दौरका एक्सप्रेस वे ये जो है वाइट कलर का आप जो देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं ये डेली गुड़गांव बॉर्डर है यहाँ से डेली शुरू हो जाता है तो ये है लोकेशन स्मार्ट वर्ल्ड की ये कॉमर्शियल की जो सामने आप देख रहे हैं ये कॉमर्शियल है इनका रेजिडेंशियल है तो लोकेशन आप देखिए कि भाई दिल्ली मतलब बिल्कुल दिल्ली वाली लोकेशन है अब गुड़गांव क्यों डेवलप होता है गुड़गांव इसलिए डेवलप होता है क्योंकि दिल्ली में जगह नहीं बची तो हर चीज़ जो होती है जितनी ज़्यादा क्लोज़ प्रॉपर्टी रहेगी दिल्ली से उतनी ज़्यादा उसकी अहमियत ज़्यादा होगी क्योंकि दिल्ली के दिल्ली के वजह से ही गुड़गांव है आपको अगर देखा जाए तो तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एक तो ये दिल्ली वाला एरिया आ गया आसपास कैचमेंट मैंने आपको बता ही दिया कि क्या कैचमेंट है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे दिखाई गई हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक तो ये देखिए दिखाया गया है कनेक्टिविटी के बारे में और फ्यूचरिस्टिक लैंडमार्क्स जो फ्यूचरिस्टिक है बहुत ज़्यादा रहने गए हैं क्योंकि प्रेजेंट में आ गए हैं वो ये है दौर का एक्सप्रेस वे जीरो मिनट्स मतलब बैंगोन दौर का एक्सप्रेस वे सबसे पहली बात दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आई आई सी सी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जिसके बारे में आप सुन रहे होंगे बहुत ज़्यादा जितने भी सब इन, इंटरनेशनल कन्वेंशन होंगे वो तो सारे यहीं पर होंगे तो जाहिर सी बात है ये तीन मिनट्स की ड्राइव है लिखा हुआ है साहब साहब यहाँ पे तीन मिनट्स की ड्राइव है यहाँ से और बिल्कुल आप क्योंकि तीन मिनट्स से ड्राइव इसलिए क्योंकि ये द्वारका में पड़ता है और चौबीस पच्चीस सेक्टर जो द्वारका का है वो एकदम समझ लीजिए कि आपने बॉर्डर क्रॉस करा और चौबीस पच्चीस सेक्टर द्वारका का आ गया तो वो ये हो गया तीन मिनट्स की ड्राइव पाँच मिनट की ड्राइव ये हो गई डिप्लोमेटिक इक्लेव डिप्लोमेटिक इक्लेव जैसे कि चाणक्यपुरी में है उसी तरह का डिप्लोमेटिक इक्लेव यहाँ आ रहा है डिप्लोमेट्स से आ रहे हैं पहले मैं बता चुका हूँ कि खान मार्केट जो है इतनी ज़्यादा फेमस इतनी ज़्यादा महंगी सब इंडिया की सबसे महंगी मार्केट बोली जाती है वो इसीलिए है क्योंकि चाणक्यपुरी में डिप्लोमेटिक इंक्लेव के पास है यहाँ पे भी डिप्लोमेटिक इक्लेव है बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं और बाकी भारत वंदना पार्क और ये सारी चीज़ें ये सब तो नहीं हैं मेरे लिए तीन जो है वो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं हॉस्पिटल्स भी हैं मॉल्स में स्कूल्स में ठीक है वो बाकी जगह भी होते हैं ऐसी बात नहीं है दौर का एक्सप्रेस वे आई और डिप्लोमेटिक के ये तीन चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक आप मैं आपके लिहाज से अगर सोचूँ एज एन इन्वेस्टर मैं अगर सोचूँ कि भाई क्या चीज़ें हैं जो इसको चलाएंगी सबसे पहला हो गया कैचमेंट आसपास कितने लोग रह रहे हैं और कितने लोग उसमें ख़रीदेंगे दूसरी चीज़ की छोटा कमर्शियल है तो जाहिर सी बात है कि इसमें ब्रांड्स अच्छे आएंगे ब्रांड्स क्यों अच्छे आएंगे इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्योंकि हर ब्रांड ये चाहता है कि भाई मेरा जो काम है वो चले काम कैसे चलता है लोगों से उस तरह के लोगों से जिनके अंदर क़ुत हो चीज़ें खरीदने की बाइंग कैपेसिटी हो वो सारी चीज़ें इसमें हैं तो इसलिए मेरे लिए कॉमर्शल इतना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए क्योंकि इसमें पैसा लगाने से आर बहुत अच्छा आएगा अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे जैसे कि इसका मतलब मैं आपको आइडिया देता हूँ 1.5 पॉइंट के आसपास से चीज़ें शुरू हो जाती हैं यहाँ पे रेंजिंग अप टू क्विट हाई है ना तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से फ्लोर पे आप क्या चीज़ ले रहे हैं तो वन पॉइंट फाइव सी आर से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ पे और पेमेंट प्लान क्या है वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे और कई चीज़ें आप लोग ये पूछते हैं कि भाई इसका अप्रिसिएशन कितना हो जाएगा कितना कहाँ ये अभी अगर चीज़ हम वन पॉइंट फाइव सी आर की ले रहे हैं तो कितने टाइम में वो इतने की हो जाएगी क्या आर वाई आएगा इस पर रेंटल वैल्यू इस पर क्या आएगी अलग अलग फ्लोर पर वो सारी चीज़ें हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग लो Uh, जब आपका कॉल आता है हम तभी डिस्कस करते हैं क्योंकि वो डिटेल में डिस्कशन फिर हो पाता है उसके बाद फिर आपको यही करना होगा ये सारी चीज़ें हमसे डिस्कस करके ऑन कॉल फिर बिना टाइम वेस्ट करें आपको यहाँ आना होगा सेल्स गैलरी में हमारे साथ और आके बैठ के अपनी शॉप सेलेक्ट करनी होगी क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन अब बहुत टाइम तक आने वाला नहीं है है ना uh, आगे जो ऑप्शन आएंगे मैं ऑब्वियसली आपको बताऊँगा लेकिन इसकी ये थोड़ा सा खास है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन्स आई टोल्ड यू जस्ट नाउ तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सारी और सबसे बड़ा एक तो चीज़ मिस हो गई ये देखिए एयरपोर्ट एयरपोर्ट से सिर्फ मेरे ख्याल से कुछ आठ नौ दस मिनट की दूरी पे होगा है ना तो ये सारी चीज़ें हैं कि अब एयरपोर्ट आप कहेंगे यार एयरपोर्ट से इधर थोड़ी ना लोग खरीदारी करने आएंगे तो बात वो नहीं है ये समझना पड़ेगा आपको कि भाई ये जो एरिया बनाया जा रहा है एयरपोर्ट से लेके जो द्वारका का स्पेसिफिक का एरिया बनाया जा रहा है जो दिल्ली वाला पार्ट है आई तक तीन मिनट ड्राइव है आई की वो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आप जैसे देखते होंगे जब मोदी जी आते हैं या कोई भी हमारी प्रेसिडेंट आती हैं तो सारे रास्ते रास्ते क्लियर कर दिए जाते हैं तो इसको इस लिहाज से बनाया जा रहा है कि हाई uh, सिक्योरिटी एरिया रहेगा चमचमाता रहेगा हर वक्त ग्लैमरस एरिया रहेगा ये डिप्लोमेट्स जो हैं एक्सपैट्स जो हैं वो बस एक टनल निकलेगी वहाँ से एयरपोर्ट uh, से वो लोग आएंगे और आई में चले जाएंगे तो ये एरिया का जो डेवलपमेंट है बहुत अच्छे लेवल का होगा है ना और जाहिर सी बात है दिल्ली से लगा हुआ एरिया है जितना भी जिसको भी को, को, कोई काम करना है वो चलने वाली चीज़ होगी आर ओ आई अच्छा आएगा यही सारी मुझे चीज़ आपको बतानी थी लेकिन इसमें देर मत करिएगा क्योंकि शॉप्स बहुत कम बची हैं बहुत तेज़ बिखा है ये कमर्शियल और शॉप्स बहुत कम बचीं मेरे कई व्यूअर्स ने पिछले दस पंद्रह दिनों में बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने लिया है हमसे ये और जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया क्योंकि जब वो आते थे यहाँ पे तब वो मैं उनको ये बातें बता पाता था और तब वो चीज़ लेते थे मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दी बातें ताकि आप जीरो डाउन कर लें अब हमें कॉल करें और कॉल करके सीधे यहाँ पर आएँ और अपना चीज़ जो है वो फाइनल करें ठीक है तो नाउ वेटिंग फॉर योर कॉल अब आप कॉल करिएगा और फिर बाकी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे अब मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में तब तक के लिए चाले हो